DIY hair rebonding at home, is it possible? आपको लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि बिना केमिकल प्रोडक्ट को यूज किए घर पे हेयर रिबॉन्डिंग करना नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं कहूँ ऐसा हो सकता है तो क्या आप बिलीव करेंगे? चलिए हम वीडियो ही देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने अपने बालों की इस कंडीशन को चेंज किया है, इसमें कैसे वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। सबसे पहले हाई एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं आपके लिए हेयर केयर, स्किन केयर, हेयर स्टाइल और मेकअप की वीडियो लाती रहती हूँ, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। यानी कि एक ही जगह आपको मल्टीपल कंटेंट मिलेगा, तो इसलिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जिन्हें स्ट्रेट हेयर पसंद है। वैसे हर किसी को पसंद होते हैं, मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद होंगे। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बाल सीधे, खूबसूरत और घने नजर आए। लेकिन जब पार्लर से ट्रीटमेंट लेते हैं तो वहां पे हमारे बालों का वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि घर पे ये वाला DIY हेयर रिबॉन्डिंग करके जरूर देखना, आपको 99% रिजल्ट मिलेगा। हेयर रिबॉन्डिंग के कुछ स्टेप होते हैं, कुछ सप्लीमेंट होते हैं जो हम अपने बालों पे अप्लाई करते हैं। वो सप्लीमेंट बॉन्ड बनाते हैं हमारे बालों के चारों ओर और बालों को लॉक कर देते हैं, जिससे हमारे बाल बीच में से मुड़ते नहीं है और वो सीधे नजर आते हैं। वो सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन आपको केमिकल प्रोडक्ट के थ्रू दिए जाते हैं। हम जानते हैं कि यही न्यूट्रिशन, यही सप्लीमेंट नेचुरल फॉर्म में भी उपलब्ध है। जो भी प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, जिंक, आयरन, हम इन्हें नेचुरल फॉर्म में ईट करते हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी में इनकी डिफिशियंसी होती है, देन हम मेडिसिन का यूज करते हैं। तो समझ गया ना आप कि जो सप्लीमेंट आपको केमिकल प्रोडक्ट के थ्रू दिए जाते हैं, बस हमें सर्च करना है कि वो कौन से नेचुरल इंग्रेडिएंट में पाए जाते हैं। और इसके लिए आपको मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। अभी तक कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं कि दी ऑयल लगाना है नहीं लगाना, शैम्पू करना है या नहीं करना, कब इस मास्क को अप्लाई करना है या कब इस ट्रीटमेंट को करना है। देखिए, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं क्लियरली सब कुछ मेंशन करती हूँ। आप स्किप कर देते हो वीडियो, फिर आपको पता नहीं चलता है, आपको लगता है मैंने ऐसी वीडियो को लंबा कर दिया। नहीं, मुझे सारे स्टेप क्लियर करना जरूरी होता है, इसलिए हमारी वीडियो लंबी हो जाती है। आज के इस रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट में 3 स्टेप है और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आपको फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में हम मास्क अप्लाई करेंगे, जो कि DIY मास्क है। एलोवेरा जेल के साथ हम इसे क्रिएट करेंगे। ये हमारे बालों को हाइड्रेट करेगा, जिससे हमारे बाल मैनेज हो जाएंगे और आगे का ट्रीटमेंट हम अच्छे से अपने बालों पे फॉलो कर पाएंगे। तो आपको 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। अगर आपके पास ऐसा एलोवेरा है तो आप इसे ले सकते हो, अदरवाइज आप फ्रेश भी यूज कर सकते हो। अगर आपके बाल ज्यादा लंबे हैं तो आप 3 चम्मच भी एलोवेरा ले सकते हो। अगर आपके बाल शॉर्ट या मीडियम है तो 2 चम्मच ही काफी है। फिर हम उसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे एंड उसके बाद अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। सिर्फ बालों पे ही अप्लाई करना है, आप चाहो तो स्कैल्प पे भी लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट फॉलो करें तो इसलिए हमें बालों पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं। तो बालों पे अच्छे से अप्लाई करना है, पार्टीशन करते हुए हमें थोड़े थोड़े बालों को लेके उस पे अप्लाई करना है, जिससे हमारे बाल अच्छे से कवर हो जाए। एंड पूरे बालों पे अप्लाई करने के बाद आप बालों का बन बना लीजिए। इसे आप 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और 20 मिनट बाद हम अपना सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे, यानी कि हमें अपने बालों को शैम्पू करना है। शैम्पू से बालों को अच्छे से हमें क्लीन करना है। जब हम अपने बालों को खोलेंगे तो हम देखेंगे कि एलोवेरा मास्क से हमारे बाल काफी अच्छे हो चुके हैं, नरिश हो चुके हैं और काफी सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। अब हमें अपने बालों को क्लीन करने के लिए शैम्पू का यूज करना है। आप अपना फेवरेट शैम्पू यूज कर सकते हो। मैंने शैम्पू को डायलूट कर लिया, आधा मग पानी लिया है, उसमें मैंने अपने बालों के अकॉर्डिंग शैम्पू को ऐड किया है, उसे अच्छे से शेक कर लेना है। अब हम अपने बालों पर शैम्पू अप्लाई करेंगे। शैम्पू का यूज कर साथ में फिंगर टिप्स का भी यूज करें, जिससे आपका स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो जाएगा, आपकी रूट्स भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। और दोनों हथेलियों का भी यूज करें, जिससे हमारे लोअर हेयर भी अच्छे से साफ हो जाएंगे। उसके बाद आप पानी से धो लीजिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शैम्पू बचा के रख लिया है ताकि मैं उसे 3rd स्टेप में यूज कर सकूं, अदरवाइज मुझे एक्स्ट्रा यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और अब बारी है 3rd स्टेप की, यानी कि हमें रिबॉन्डिंग क्रीम तैयार करनी है। और आप चाहें तो पहले भी इसे शैम्पू करने से पहले भी इसे तैयार करके रख सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 बाउल साबूदाना यूज किया है, जिसे आप खीर बनाते हो, व्रत वगैरह में भी हम इसे यूज करते हैं, वही आपको दुकान में इजिली मिल जाएंगे। और 1/2 कप लेने के बाद आप इसे कंटेनर में या जिस भी बर्तन में ऐड करोगे उसमें आपको 2 कप बड़ा वाला कॉफी वाला कप पानी ऐड करना है और उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए गैस पे मीडियम फ्लेम पे पकाना है, यानी कि हमें उसे बॉईल करना है। जब वो 2 मिनट तक पक जाएगा तो काफी स्टार्ची हो जाएगा, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी। बस आपको वहीं पे गैस को बंद कर देना है। अब आप इसे 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने दोगे, यानी कि ये कूल हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे ऐसे ही पूरा पानी के साथ
मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद ये पेस्ट बन जाएगा, यानी कि इसकी क्रीम बन जाएगी। अब हम इसे स्टेन कर लेंगे। छन्नी से ही छानना, इजिली छन जाएगा। साथ में स्पून का भी हम यूज करेंगे, यानी कि चम्मच का भी हम यूज करेंगे, जिसे अच्छे से छन जाए। इसे छानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे व्हाइट दाने होते हैं जो कि हमारे बालों में चिपक सकते थे, तो हमने अलग कर दिया। अब हमारा पेस्ट बिल्कुल स्मूथ है, क्रीम हमारी रेडी है। इस क्रीम में स्टार्च है, ये आपके बालों को सीधा कर देगा, साथ में आपकी क्यूट की लेयर को रिपेयर करके लॉक कर देगा, जिससे हमारे बाल नेचुरली स्ट्रेट नजर आएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून हनी। हनी हमारे बालों को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, साथ में हमारे बालों में चमक भी ऐड करता है, जिससे हमारे बालों में शाइन आती है। और नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हो, आलमंड, कोकोनट या ऑलिव, जो भी आपके घर में है। 1 टेबल स्पून ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमारी रिबॉन्डिंग क्रीम बन के यहाँ पे रेडी है। अब हमें अपने बालों पे से अप्लाई करना है। जब हमने बालों को धोया था, हमें उसके बाद बालों को हल्का हल्का टॉवल से ड्राई करना है और उन्हीं गीले बालों पे हमें इस रिबॉन्डिंग क्रीम को अप्लाई करना है। बालों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए, यानी कि पार्टीशन बनाते हुए आपको थोड़ा थोड़ा लेते हुए बालों पे से अप्लाई करना है। क्वांटिटी आपको पहले से ही ज्यादा रखनी है ताकि ये आपके पूरे बालों को अच्छे से कवर कर सके। आपने देखा कि मैंने काफी क्वांटिटी में इसे तैयार किया है, जिससे मेरे पूरे बाल अच्छे से कवर हो जाएं, पूरे बाल ना इसमें डूब जाने चाहिए। और उसके बाद हमें अपने टिप हेयर को भी इसमें डिप करना है। ऑलवेज मैं कोई भी ट्रीटमेंट करती हूँ अपने टिप हेयर पे जरूर अप्लाई करती हूँ, इससे आपके दो मुंहे बालों के चांस कम हो जाते हैं। तो इसलिए आप टिप हेयर को अच्छे से कवर करें एंड देन आप अपने बालों का बन बना लें। अब हमें चाहिए एक पॉली बैग, कोई भी सब्जी वाली पॉली बैग लेना है और उससे अपने हेयर को कवर कर लें। कवर करने के बाद बालों को 30 मिनट के लिए छोड़ देना है एंड उसके बाद फिर से हमें अपने बालों को वॉश करना है। वॉश करते वक्त सबसे पहले हमें अपने बालों को रिंस करना है, यानी कि सिर्फ पानी से धोना है एंड उसके बाद हमें जो थोड़ा सा बचा हुआ शैम्पू था उसे अप्लाई करना है, उससे अपने बालों को हल्का हल्का सा वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अब मैंने अपने बालों को फिर से टॉवल से ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने बालों को ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है। 20 मिनट बाद जब मेरे बाल पूरे अच्छे से ड्राई हो गए, उसके बाद मैंने कॉम्ब करना स्टार्ट किया है एंड आप उसके बाद रिजल्ट देख सकते हो। जब हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है, हमारी उम्मीद से ज्यादा उसका अच्छा रिजल्ट आता है ना, तो मैं बहुत उत्सुक हो जाती हूँ कि मैं कब उसे आपके साथ शेयर करूं। और जो भी रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल जेन्युइन है। आपके बाल बिल्कुल बिखर जाएंगे, आपके बालों में वॉल्यूम काफी ज्यादा आ जाएगा, यानी कि बाल आपके काफी थिक लगने लगेंगे एंड बाल आपके स्ट्रेट हो जाएंगे, नेचुरली स्ट्रेट हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत कर्ली हैं, बहुत डैमेज है, तो हो सकता है कि आपको 2-4 बार इसे फॉलो करना पड़े, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। फर्स्ट टाइम में ही आपको एहसास होगा कि आपको काफी चेंज आपके बालों में देखने को मिला है एंड उसके बाद आप वॉल्यूम देख लीजिए मेरे बालों का। ये देखिए, जब हम पार्लर में जाके रिबॉन्डिंग करवाते हैं तो हमारे बालों में ये वॉल्यूम नहीं होता है क्योंकि हमारे बाल प्रेसराइज रहते हैं, या घर पे भी आप स्ट्रेट करते हो तो भी आप देखते हो कि आपके बाल बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, लेकिन जब हम नेचुरल ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हैं तो हमारे बाल इस तरीके से बिखर जाते हैं। ये देखिए, ये बालों में काफी वॉल्यूम नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप घर पे ही हेयर रिबॉन्डिंग कर सकते हो, वो भी बहुत कम पैसों में। आपने देखा कि बहुत कम खर्चे में हमारा पूरा ट्रीटमेंट हो गया और सिर्फ 3 ही स्टेप है। तो आप कहीं जा रहे हो किसी वेडिंग या फंक्शन में, तो जस्ट आपको दिन में या एक दिन पहले इस ट्रीटमेंट को फॉलो करना है और उसके बाद आप अपने बालों पे कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हो। ये देखिए बाल कितने बिखर गए हैं, बाल एकदम खुल गए हैं। तो आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाओगे तो आपके बाल उलझेंगे नहीं और आप चाहो तो बालों को खोल के भी रख सकते हो, क्योंकि बालों पे बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स टूल यूज करना सेफ नहीं, बालों में वॉल्यूम नहीं बचती, हमारे बाल धीरे धीरे झड़ जाते हैं और साथ में बाल बीच में से कमजोर होते हैं, 2 मुंहे बाल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने बालों को कटवाना ही पड़ जाता है। तो अगर आप अपने बालों को सुंदर, घना, लंबा रखना चाहते हैं तो जब मन करे आपको अपने बालों को स्ट्रेट करने का, बस आप ये वाला ट्रीटमेंट फॉलो करके देखिए कैसे आपके बाल घर पे स्ट्रेट हो जाते हैं। तो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाती रहूं, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं एंड वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।